किसान मित्रों नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 पे आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान साथियों, आ गया है समय लहसुन बुआई का। जी हाँ किसान मित्रों, आपने सही सुना, लहसुन बुआई का समय बहुत सही समय अभी है। आज दिनांक आपका अक्टूबर चल रहा है, लगभग कितना तारीख हो गया होगा भैया आज? आज 18 तारीख है किसान मित्रों, तो बुआई का सही समय है। अभी टेम्परेचर भी आपका लगभग 22 से 32-33 डिग्री तक है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है, लेकिन फिर भी न्यूनतम भी ठीक है। अभी ठंड काफ़ी पड़ने लगी है, काफ़ी का मतलब है कि लहसुन के लिए अनुकूल हो गया है। तो किसान साथियों, बहुत ही सही समय है यूपी बिहार और सब आसपास के ज़िलों में लहसुन बुआई का समय। कुछ जगह तो भाई काफ़ी फास्ट होता है, जहाँ की उगाए होंगे, कहीं कहीं हरा सागा भी, हरा लहसुन भी तैयार हो गया होगा, तो अपने यहाँ थोड़ा सा लेट होता है, तो लेट के हिसाब से भी अभी समय से अपना बहुत सही है। तो किसान साथियों, देर ना करते हुए मैं बात करता हूँ कि लहसुन लगाने का तरीका, लहसुन में कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, लहसुन किस तरह से लगाया जाए कि ज़्यादा उपज मिल जाए, लहसुन किस तरह से लगाएं कि उसका रेट मुनासिब हो, अच्छा हो, मार्केट में आपको 2 रुपये ज़्यादा मिले, और ऐसा कैसे रखरखाव करें कि आपको लहसुन सालों साल आपका ख़राब ना हो। किसान साथियों, आपने सही सुना, लहसुन तो सभी बोते हैं, रखने की समस्या बहुत बड़ी है। तो किसान साथियों, इन सब ट्रैफिक पे आपको विस्तार से बताएंगे आज हम। तो सबसे पहले बात करते हैं लहसुन के खेत की तैयारी के बारे में। किसान साथियों, आपने सही सुना, लहसुन के खेत की जुताई, लहसुन के खेत की तैयारी कैसे करें। तो लहसुन के खेत की तैयारी, सब सर्वप्रथम देसी खाद अगर आपके पास है, गोबर की सड़ी हुई खाद, आप उसको डलवा दीजिए 1 बीघे में, लगभग 4 टाली, और एकदम कच्ची खाद ना हो। किसान साथियों, ये ध्यान देने योग्य बात है कि आपकी खाद कच्ची नहीं होनी चाहिए, एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, सड़ी हुई होनी चाहिए। सड़ी हुई है तभी आप डालिएगा, कच्ची खाद का प्रयोग मत करिएगा, उससे आपका नुकसान भी हो सकता है। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं जुताई की। आप खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद डाल के पानी का भराव कर दीजिए। उसके बाद इसका ध्यान ये दीजिए कि जब आप जुताई कराएंगे, पहली जुताई, खाद डालने के बाद पहली जुताई जो भी करेंगे आप, उसका विशेष ध्यान ये दीजिए कि आपका खेत चुनाव बहुत अच्छे से करिएगा कि हमारा खेत जुतने योग्य हो गया है कि नहीं। कहने का मतलब, हमारा खेत कच्चा भी नहीं होना चाहिए और एकदम टाइट भी नहीं होना चाहिए कि एकदम सूख जाए, उसमें नमी ना रहे। तो कहने का मतलब है, थोड़ा सा ऊपर की परत में भुरभुरी भूरा कलर हो जाए तो उसके बाद आपका जुताई करने योग्य हो गया है। तो आप उस टाइम पे आप जुताई करेंगे तो आपको नमी बहुत अच्छी मिलेगी और मिट्टी हल्की होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कच्ची जुताई करते हैं, कोई किसान गलती कर देते हैं, कच्ची मिट्टी होती है, उनको लगता है कि नमी ये है वो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है किसान साथियों। चूंकि ये ठंड का मौसम है, इतना जल्दी नमी नहीं जाएगी। आप जुताई करके अच्छे से लगा देंगे तो नीचे से आपकी नमी बरकरार रहेगी। तो किसान साथियों, ये तो था आपका खाद, सिंचाई और जुताई करने का सही समय। तो पहले ही जुताई आप हो सके तो कल्टीवेटर या फिर आप तावा से जुताई कर सकते हैं। किसान साथियों, गहरी जुताई, पहली जुताई आप गहरी जुताई करेंगे, पहली जुताई करने के पश्चात आप 3 से 4 दिन का आप समय दे दीजिए, उसमें बढ़िया धूप, हवा धूप लगे, फर्स्ट क्लास बढ़िया से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो जाएं। उसके बाद आप 3 से 4 दिन के बाद आप रोटावेटर की जुताई करेंगे। उसके पहले आप इसमें बेसल डोज की बात कर लेते हैं कि बेसल डोज इसमें क्या पड़ेगा। तो किसान साथियों, इसमें आपका 1 बीघे में लगभग 60 किलो आपका DAP पड़ेगा, 60 किलो पोटास पड़ेगा, और इसमें आपका सल्फर 500 ग्राम सल्फर डाल दीजिए, 250 ग्राम आपका जिंक पड़ जाएगा। तो इसी तरीके से बोरान आप 200-250 ग्राम डाल दीजिए, और इसमें यूरिया की मात्रा नहीं डालना है किसान साथियों, यूरिया नहीं डालना है। तो इतना आपका ये बेसल डोज हो जाएगा किसान साथियों 1 बीघे के लिए। 1 बीघे में आप इन सब खादों का डाल के, और यदि आपके यहाँ कीट, उसमें कीट वाला जो भी है, जैसे आपका दीमक वगैरह है, तो दीमक का रेजेंट है, वो सब तमाम प्रकार के आते हैं कंपनियों के रेजेंट, तो उनका प्रयोग आप 1 बीघे में 4 किलो का आप कर सकते हैं किसान साथियों। तो इतना आप डाल के अच्छा से बढ़िया से एकदम मिट्टी को, जब तक अच्छी मिट्टी ना बन जाए, 2 से 3 बार गहरी जुताई कराने के बाद आप रोटावेटर की जुताई करेंगे, मिट्टी आपकी एकदम बढ़िया से बन जाएगी किसान साथियों, एकदम ये है, ये देखो ना, तो आपका लड्डू एकदम बनेगा, आप फेंकेंगे तो एकदम चूर चूर हो जाएगा, ये है आपका मिट्टी।
इस तरीके से आपकी जब मिट्टी होगी तो बहुत ही हल्की होगी। तो किसान साथियों, हमारे पास दो वैरायटी का लहसुन है, हम दो वैरायटी का लहसुन बो रहे हैं। दो क्या, हमारे पास तीन हो गया। एक तो लाल वाला जो होता है हमारे यहाँ उस वो है, और दूसरा हमारा है एक देसी लहसुन। ये हमारा देसी लहसुन है किसान साथियों, जी हाँ ये है हमारा देसी लहसुन। तो ये जो हमने रख रखाव की बात की थी किसान साथियों, आपका फर्क देख लीजिए, जो पिछली बार हमारा वीडियो देखे होंगे, हमारे हिसाब से जो खेती किए होंगे, उनको पता लगा होगा कि हमारा लहसुन पहले कैसा था और हमारे बताने के अनुरूप कैसा था। जिस तरीके से हम करते हैं, आप लोग कैसे करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम जो कर रहे हैं वो आप लोगों को सामने वीडियो में, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो किसान साथियों, जिस तरीके से हमने बताया था वही लहसुन है, आप देख लीजिए देसी लहसुन क्या होता है, एकदम बड़ी बड़ी पूतियां देखो ये है इसका जो भी है, और एक भी लहसुन आपका गड़बड़ नहीं निकलेगा। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो भी लहसुन है आपका, जैसे ये बाहर का है, ये देखो ये बाहर का है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपका ये अंदर का भी होगा। देसी लहसुन में आपका 25% फेंकने योग्य हो जाता है किसान साथियों, लेकिन हमारा लहसुन देखिए आप ऑल इन वन 100% आपका लगाने योग्य है किसान साथियों। थोड़ा पीछे हो जाओ। तो ये जो भी है, ये हमारा जो लहसुन है 100% आपका लगाने योग्य है, ये है देसी, प्योर देसी आपका। ये देखो किसान साथियों, लहसुन की क्वालिटी देख लो। पिछले हिसाब से जो भी किसान हमारे इस वीडियो को देखे होंगे, हमारे जिस तरह से हमने बताया, अगर उसको फॉलो किए होंगे, उस तरीके से आप किए होंगे, तो शायद आपका भी लहसुन ऐसा ही हुआ होगा, जो जो भी हमने बताया था उसी हिसाब से। तो किसान साथियों, पूरा डिटेल आपको पहले के वीडियो में भी था, अभी हम लगाने का प्रक्रिया बता रहे हैं। दूसरे वीडियो में आपको पूरा बताएंगे कि कौन कौन सा बेसल डोज दोबारा पड़ना है, कौन कौन सा छिड़काव करना है, कब पानी देना है, तमाम प्रकार की जो भी आपकी लहसुन में हो सकता है, पूरा पूरा हम वीडियो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो किसान साथियों, ये था हमारा देसी लहसुन। तो ये एक तो हम ये देसी लहसुन जो हमारे घर का होता है, इसका हमने स्पेशल बनाया है किसान साथियों। जो अंदर का 25% डैमेज होता है, हमारे हिसाब से आप करेंगे तो बिल्कुल आपका 100% एकदम ऑल इन वन हो जाएगा, कहने का मतलब एक बराबर ऊपर से नीचे तक हो जाएगा। तो किसान साथियों, ये था हमारा देसी लहसुन। और दूसरा हमारा है एक फार्मी लहसुन, जो कि हमारा हिमाचल का ये है फार्मी लहसुन। तो किसान साथियों, ये इसकी खासियत एक है, ये है कि ये लहसुन जो है कलियां इसकी आप देख लेंगे तो चकित रह जाएंगे कि कितनी मोटी मोटी कलियां हैं। ये देखो किसान साथियों, ये मोटी मोटी कलियां होती हैं और वजन भी अच्छा होता है। और इसमें जानने योग्य बात ये है कि इसमें देसी लहसुन के मुकाबले या अन्य लहसुन के मुकाबले इसका जो केमिकल्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, दुगुना होता है। आप कहने का मतलब ये है कि अगर एक जब आप इसका यूज कर रहे हैं फार्मी लहसुन का, और इसका दो जब आप यूज़ कर लीजिए आपका, फिर भी आप उसके बराबर नहीं पहुँचेंगे। कहने का मतलब इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है किसान साथियों, ये औषधि के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो किसान साथियों, ये पैदावार में भी बहुत अच्छा है, और ये घर पे माताएं बहनें जो भी हैं अपना किचन में, उनके लिए भी बहुत ही ईजी होता है। इजी का मतलब ये है कि ये मोटा मोटा होता है, अपना छिलका लगाओ और जहाँ उसको चार छिलेंगे अपना एक में काम हो जाएगा। तो ये है इसका क्वालिटी, ये देखो। तो किसान साथियों, पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कैसे क्या है, देखो इसका क्वालिटी देखो, ये देखो सब उसी का ये नतीजा है। हम जिस तरीके से करते हैं उसी हिसाब से करते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों लगाने का तरीका। तो लगाने का तरीका, एक मुख्य दिक्कत ये होती है, जैसे ये हम एकदम बराबर लेवल मिट्टी पर लगाते हैं, और एक होता है कि हमारा बेड पर लगाना, तो हम बेड पर नहीं लगाते हैं, हमारा एकदम बराबर प्लेन पर होता है। और ये सबसे बड़ी खासियत है कि जो हमारा ये नाली होता है, मेड़ी बनाया गया है किसान साथियों, इस पर ये जो मेड़ी होता है हमारा, इस पे भी हमने लहसुन की बुआई की है। तो साथियों, इसका फायदा ये होता है कि अगर आप जो भी खेत आप एक बीघे लगा रहे हैं, तो आप मान के चलो कि उसमें 10% आपका एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है किसान साथियों, एक्स्ट्रा मिल जाता है, 10% एक्स्ट्रा मिल जाता है। 10% एक्स्ट्रा का मतलब बहुत कुछ होता है। अगर आपका एक बीघे में 40 से 60 क्विंटल का पैदा हो रहा है, तो वहाँ पर आपका कम से कम 60 के बजाय 65 क्विंटल, 40 के बजाय 45 क्विंटल तक आपको मिलेगा, ये मेरा दावा है। तो कुछ किसान ये गलतियां कर देते हैं कि जो इस पे नहीं लगाते हैं, इस पे लगाना चाहिए, इस पे कहते हैं कि घास है, आने जाने में दिक्कत होती है, ठीक है कुछ डैमेज होगा, लेकिन आपका 25% भी 30% नुकसान होगा, 70% तो आपका बचेगा किसान साथियों। तो किसान साथियों, देर न करते हुए लगाने का दूरी, उचित दूरी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो किसान साथियों, कुछ तो हमारा ये लगा हुआ है, बाकी और ये लगाने का तरीका, और इसमें विशेष ध्यान ये दीजिए कि जो आप लाइन बनाएंगे वो लाइन आपकी बहुत ज़्यादा गहरी ना हो, बस उतनी हो कि आपका लहसुन मिट्टी में ढक जाए। किसान साथियों, सही सुना आपने कि जो भी आपका लहसुन है वो मिट्टी में ढक जाए। और नीचे दिखा दिया,
ये देखो ये इतना अपना रहेगा तो ये अपना बराबर हो जाएगा, ये देखो ये ऐसे करके लगाते वक्त अपना ऐसे बराबर कर दो, ये देखो इधर कहीं आपका लहसुन दिखेगा नहीं जान साथियों, बहुत गहरे गहरा भी नहीं करना है और बहुत ऊंचा भी नहीं करना, और लहसुन का उचित दूरी जो है 4 इंच आपकी होगी, लहसुन से लहसुन की दूरी आपकी 4 अंगुल अपना करिए, इंच तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सॉरी, आप लोग 4 अंगुल लहसुन की दूरी करिए, यह है इस तरीके से आप लगाएंगे तो आपका लहसुन छोटा भी नहीं होगा और बहुत बड़ा भी नहीं होगा कि आपका फूट जाए और तमाम प्रकार की समस्याएं जो हैं, तो इसी हिसाब से आप और लाइन से लाइन की दूरी आपका लगभग 4 इंच के आसपास ऐसे अपना नाप लो, ये बीता यूं रहेगा, ये ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा हल्का सा डिप रहेगा, तो इस तरीके से आप नाप सकते हो या फिर अंदाज के अपना 3 से 4 इंच अपना कर सकते हो। इस तरीके से करने में क्या होगा कि जैसे निराई गुड़ाई जब गुड़ाई का समय आएगा और पौधों को भी उचित दूरियां मिल जाएंगी, कहने का मतलब ये है कि जो पौधा आपका होगा उसको उचित दूरी भी मिल जाएगी उसमें बांधने के लिए, नहीं तो उसी में सटा रहेगा तो आपका पतला पतला लहसुन होगा, तो बहुत बिडर भी वो सॉरी बहुत गजिन भी नहीं लगाना चाहिए, बहुत घना भी नहीं लगाना चाहिए कि आपका लहसुन एकदम पतला हो। तो किसान साथियों ये था लहसुन लगाने का बहुत ही लाजवाब तरीका, और इस तरीके से आप करेंगे, इस तरीके से बेसल डोज डालेंगे तो आपका लहसुन बहुत ही लाजवाब होगा। तो हमारा उद्देश्य ये था कि अभी लहसुन लगाने का समय है किसान साथियों, तो आप लोग हमारे हिसाब से जो पिछले बार किसान लगाए थे उन लोगों का कमेंट आप जरूर बताइएगा कि हमारे तरीके से जो बताया गया था पिछले वीडियो में वो कैसा लगा, और ये जो बता रहा हूँ और जो नए नए किसान हैं वो भी करके हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे कि उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, कैसा लगा हमारा ये टिप। तो किसान साथियों देर न करते हुए फिर अलविदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, इसी के साथ जय जवान जय किसान।